कैलेंडर में आज मैं आपको सिर्फ ये कराना चाहूंगा कि कौन से 2 महीने एग्जैक्टली सेम डे को शो करते हैं किसी भी ईयर में। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 फरवरी को अगर सोमवार है तो 5 नवंबर को क्या वार होगा, तो अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देता हूं कि सोमवार ही होगा 5 नवंबर को भी। और इसकी एक ट्रिक है हमारे पास, देखिए फ्रेंड्स, एक होता है नॉर्मल ईयर, सबको पता यार, फ्रेंड्स एक नॉर्मल ईयर होता है, लीप ईयर होता है हमारे पास, जो भी साल 4 से पूरा पूरा कट जाए वो हमारा लीप ईयर कहलाता है। और इसके अलावा जितने भी हमारे ईयर होते हैं वो हमारे नॉर्मल ईयर कहलाते हैं। अगर जैसे कि मैं 2016 लिखूं, वो 4 से पूरा पूरा कटता है, लास्ट के 2 डिजिट हम देखते हैं, तो इसका मतलब है कि 2016 एक लीप ईयर था। ठीक है, कोई भी 2 महीने किसी ईयर में जो सेम होते हैं वो बताएं। तो इसकी एक ट्रिक है यार, देखो जनवरी लिखा, जनवरी का महीना कौन से महीने के साथ बिल्कुल सेम डे पे सेम डेट पर सेम डे को शो करेगा। इसका आंसर था हमारा अक्टूबर। अब मैंने आपको अक्टूबर बता दिया, इसकी ट्रिक क्या है मैं आपको बता देता हूं फ्रेंड्स। जनवरी में कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। अक्टूबर में कितने? 1 2 3 4 5 6 7। तो जनवरी का महीना अक्टूबर से बिल्कुल मैच करेगा। आप कोई सी भी तारीख देख लीजिए अगर नॉर्मल ईयर है तो। अगला जो हमारी ट्रिक है वो हमारी ट्रिक है कि मोस्टली ज्यादातर एग्जाम किसी भी स्कूल में जो बोर्ड एग्जाम होते हैं वो कौन से 2 महीने में होते हैं? फरवरी और मार्च। बोर्ड एग्जाम कई बार ऐसा होता है कि फरवरी में शुरू हो जाते हैं और मार्च से चलते हैं, तो मोस्टली हम बोलते हैं कि फरवरी और मार्च में बोर्ड के एग्जाम होते हैं। और हम लोग बोर्ड के एग्जाम किस लिए देते हैं? हम लोग बोर्ड के एग्जाम या कोई भी एग्जाम नंबर लेने के लिए करते हैं। तो फरवरी और मार्च का थर्ड जो आंसर था वो था नवंबर। फरवरी और मार्च का जो थर्ड आंसर था वो था नवंबर। कहने का मतलब है कि फरवरी और मार्च का जो डे है बिल्कुल सेम है, और ऐसे ही नवंबर का भी बिल्कुल सेम डे होगा। मैं आगे चलता हूं। अगर मैं हिंदी में लेके देखे चलूं तो कौन से ऐसे 2 महीने हैं जिसके लास्ट में अंबर आता है? सितंबर, देखिए अंबर आ गया, और किस में आता है? दिसंबर। सितंबर और दिसंबर। ओके फ्रेंड्स, अब आप बोलेंगे नवंबर में भी अंबर आता है, लेकिन मैं इसके पहले ही लिंक बता चुका हूं कि फरवरी और मार्च में बोर्ड के एग्जाम देते हैं, और बोर्ड के एग्जाम हम मोस्टली किस लिए देते हैं? नंबर लेने के लिए। तो फरवरी, मार्च और नवंबर। अगला आता है कि अब कौन से 2 महीने हो गए? देखिए लास्ट में आप ये याद रख लीजिएगा 47, क्योंकि इस 47 के बेस पे हमारा जो है लीप ईयर बहुत जल्दी आसानी से सोल्व हो जाएगा। देखिए 4 पे क्या होता है हमारा? अप्रैल। और 7 पे क्या होता है हमारा? जुलाई। 4 में हमारा होता है अप्रैल और 7 पे हमारा क्या होता है? जुलाई। कहने का मतलब है कि किसी नॉर्मल ईयर का अप्रैल और जुलाई बिल्कुल सेम डे होंगे। हम आगे चलते हैं। मैंने 47 लास्ट में क्यों लिखवाया, इसका रीजन अब आपको लीप ईयर में पता चल जाएगा। देखिए मैंने 47 लिखा था, मैं यहाँ पे 147 लिख रहा हूँ, मैंने 147 लिख दिया। इसके बाद मैंने इन सबको मल्टीप्लीकेशन कर लिया, 7 चौक 28, 28 एकम 28, मैंने 28 लिख दिया। अब मैं इसके आगे क्या करता हूँ, देखिए पहले तो ये जो मैंने काउंटिंग लिखी है इनके हम जो है मंथ्स लिख लेंगे। कैसे? 1 पे कौन होता है? जनवरी। 4 पे क्या होता है हमारा? अप्रैल। 7 पे क्या होता है हमारा? जुलाई। सॉरी, अगर मैं लीप ईयर की बात करूं तो जनवरी, अप्रैल और जुलाई हमारे बिल्कुल सेम मंथ्स होते हैं। मैं आगे चलूं, मैंने लिखा 2 8, वो 2 8 कैसे आया? इन सब की मल्टीप्लिकेशन कर दी है मैंने। देखिए शुरुआत कहां से हुई है इसकी? 47, 147, फिर इनकी मल्टीप्लिकेशन 28। इसका मतलब हो गया फरवरी और अगस्त। अब हमारे पास कौन कौन से महीने बचे हैं? आप क्या कीजिए, जो इसके महीने थे आप एज इट इज उतार दीजिए। देखिए सितंबर और दिसंबर उतारा मैंने, फिर मैं बोलता हूं फरवरी, मार्च और नवंबर। फरवरी मैं यूज कर चुका हूं तो मैं यहां पे लिखूंगा
मार्च और नवंबर। और देखिए और कौन कौन से, जनवरी में यहां यूज कर चुका हूं, अक्टूबर रह गया है। अक्टूबर का मंथ हमारा किसी भी मंथ के साथ मैच नहीं करता है अगर वो लीप ईयर चलेगा तो। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कैलेंडर का एक बहुत जबरदस्त टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत जबरदस्त था, मैंने आपको बता दिया। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है देखिए कि 26 जनवरी 2017 को थर्सडे है, तो बताएं कि 25 अक्टूबर 2017 को क्या बार रहा होगा। तो मैं आपको डायरेक्ट एक लिंक बता देता हूँ, शॉर्टकट बता देता हूँ, कि अगर हमें पता है कि नॉर्मल ईयर में जनवरी और अक्टूबर सेम होते हैं, वो कैसे सेम होते हैं, हमने काउंटिंग करी थी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 दोनों सेवंस अल्फाबेट्स में आते हैं। तो जनवरी और अक्टूबर में कौन सी तारीख सेम रहेगी, 26 तारीख को अगर थर्सडे था तो 26 अक्टूबर को भी थर्सडे रहा होगा। हमें पूछा क्या गया, 25 अक्टूबर को एक दिन पहले कर लीजिए यानी वेडनेसडे रहा होगा।